हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 3 इंटू में रूट में 7 एंड ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए, हमारे पास गिवन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 3 इंटू में रूट में 7 एंड ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, इस इक्वेशन में हम x बाई ए को p के इक्वल मान लेते हैं। x बाई ए इज इक्वल टू p लेट एंड y बाई बी इसको q के इक्वल मान लेते हैं और z बाई सी को r के इक्वल इज इक्वल टू r। इस इक्वेशन को पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 3 इंटू में रूट में 7। हम देखिए, इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 0। इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा p इंटू में क्यू इंटू में आर और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसी क्वेश्चन का हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू में पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 63। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63। अब यहाँ पे देखिए, पी को हमने एक्स बाई ए, क्यू को वाई बाई बी और आर को जेड बाई सी के इक्वल माना था। यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 63। यहाँ देखिए, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 63। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।